हेलो, वेलकम टू द सिनेमा माइंड। आज हम एक फिल्म के ट्रेलर का रिव्यू करने वाले हैं। इस फिल्म का नाम है ग्रे हाउंड। एक हॉलीवुड फिल्म है, टिपिकल कमर्शियल हॉलीवुड फिल्म, जिसका रिव्यू हम करने वाले हैं। अब ग्रे हाउंड तो वैसे तो एक कुत्ते के ब्रीड का नाम है, एक ब्रिटिश ओरिजिन ब्रीड है ये। अगर आप देखोगे तो ये इंडिया में भी देखने को मिलती है, स्लिम है, हाइट में ज़्यादा होती है ये कुत्ते की ब्रीड। तो इस फिल्म का नाम ग्रे हाउंड किस वजह से दिया होगा ये भी मैं आपको बताता हूँ। इसे डायरेक्ट किया है एरॉन श्नाइडर नाम के डायरेक्टर ने, और इसकी स्क्रिप्ट जो लिखी है ये टॉम हैंक्स ने लिखी है, और टॉम हैंक्स ने खुद इसमें लीड रोल भी किया है। ये जो फिल्म है ये वर्ल्ड वॉर टू पर बेस्ड है, लेकिन स्टोरी इसकी फिक्शनल है। एक नॉवल पर बेस्ड ये पूरी फिल्म बनाई है। इस नॉवल का नाम है द गुड शेफर्ड। शेफर्ड मतलब चरवाहा, जो अपने भेड़ बकरियों को चराता है। गुड शेफर्ड नाम की एक बुक है, जिसे फॉरेस्टर नाम की एक ब्रिटिश नेशनल ने लिखा था 1955 में। उस बुक पर आधारित ये पूरी फिल्म है, जो फिक्शनल है, वर्ल्ड वॉर टू पर बेस्ड है। अब उस ट्रेलर में हम देख सकते हैं कि टॉम हैंक्स, जो जिनका नेवी में, मतलब वो नेवी में है, और उन्हें पहली बार एक डिस्ट्रॉयर शिप मिलती है। उस डिस्ट्रॉयर शिप मतलब वॉरफेयर में जो इस्तेमाल होती है वो डिस्ट्रॉयर शिप उन्हें मिलती है। वो उसके कमांडर कैप्टन बनते हैं, और अपनी ज़िंदगी में पहली बार वो एक कॉन्वॉय लेकर जा रहे हैं ब्रिटेन को, यूएस से ब्रिटेन को क्रॉसिंग कर रहे हैं। और ये वर्ल्ड वॉर टू का समय है, 1942 है, अटलांटिक वॉर चल रहा है उस समंदर में। और जर्मन लोगों ने एक टैक्टिक, एक वॉर टैक्टिक इस्तेमाल की थी, एक वुल्फ पैक नाम की, उस टैक्टिक का नाम उन्होंने वुल्फ पैक दिया था। जो जर्मन सबमरीन है, पंडुकी है, उसको वो यू बोट बुलाते थे। यू बोट मतलब अंडर सी बोट लिटरली। तो उस यू बोट का इस्तेमाल करके, सबमरीन का इस्तेमाल करके, जो यूएस से या कनाडा से कॉन्वॉय जाते थे ब्रिटिश ब्रिटेन को, उनको बर्बाद करना। और एक यू बोट एक एक कॉन्वॉय को ख़त्म कर सकती थी, मतलब यह स्ट्रैटेजी उन्होंने उस वक्त इस्तेमाल की थी। तो उस वक्त बहुत नुकसान हुआ था वर्ल्ड वॉर टू में यूएस का, ब्रिटेन का। आखिर में उन्होंने उस पर हल निकाला और ख़त्म कर दिया ये यू बोट की सारे चक्कर को। लेकिन ये फिल्म में हमें देखने को मिलता है। तो यू बोट का एक वुल्फ पैक है, और एक कॉन्वॉय निकला है जिसका पहली बार कमांडर बना है टॉम हैंक्स, और वो लेकर जा रहा है। वो हम फोन पर जब कॉन्वर्सेशन होता है तो सब सुन पाते कि ही इज़ द फर्स्ट टाइम कमांडर ऑफ अ कॉन्वॉय। मतलब जो सप्लाईज है, एसेंशियल कमोडिटीज़ का जो सप्लाई है, वो यूएस से ब्रिटेन ले जाना है। अब उसके पास डिस्ट्रॉयर शिप है, उस डिस्ट्रॉयर शिप का नाम है ग्रे हाउंड। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ग्रे हाउंड क्या करता है। अब मान लीजिए कि ये जो कमांडर है ये एक चरवाहा है, शेफर्ड है, और इसके पास जितने भी कॉन्वॉय में शिप्स हैं, मर्चेंट शिप्स हैं, उसकी उसे रक्षा करनी है। वो कैसे रक्षा करेगा? इस ग्रे हाउंड की मदद से, इस डिस्ट्रॉयर शिप की मदद से। और ये जो वुल्फ पैक है, ये जो जर्मन भेड़िए हैं यू बोट के रूप में, वो इस शिप को, इस कॉन्वॉय को बर्बाद करने वाले हैं। तब अब उसकी सूझबूझ पर, उसकी कैपेसिटी पर ये डिपेंड करता है कि वो उस समंदर से वो सारे कॉन्वॉय को निकाले और सेफली ब्रिटेन तक पहुंचे। और ये करने में उसे क्या क्या झेलना पड़ता है, क्योंकि वो फर्स्ट टाइमर है, इस सारी उसे कोई एक्सपीरियंस नहीं है इस टाइप के वॉरफेयर का। तो कितना नुकसान उसका होता है, क्या क्या जिम्मेदारी उसे झेलनी पड़ती है, किस चीज़ों से उसे गुजरना पड़ता है। उसका खुद का सेल्फ डाउट भी है, वो अंदर से मतलब टिपिकल हीरो की तरह वो दिखाई नहीं गया। तो बहुत सारी इमोशनल, मेंटल और बाहर जो वॉरफेयर चल रहा है, उस सारी चीज़ों को फेस करके उसे वो कॉन्वॉय सेफली ब्रिटेन पहुंचाना है। ये पूरी स्टोरी है। मतलब वो एक चरवाह की तरह है, एक शेफर्ड की तरह है। बुक का, जिस बुक पर ये पूरी स्टोरी है, उस बुक का नाम भी गुड शेफर्ड ही है। तो ही इज़ कमांडर एज अ शेफर्ड। उन सारी मर्चेंट शिप का उसे रक्षा करनी है, और उस रक्षा के लिए वो इस ग्रे हाउंड डिस्ट्रॉयर शिप का इस्तेमाल करेगा। तो वो सारा थ्रिल हमें देखने को मिलेगा इस फिल्म में। एक ट्रेलर में ही हम देख सकते हैं जिस तरह से अटैक होता है। अब जब वो यू बोट आती है जर्मनी की, तो एक डरावना म्यूजिक बजता है, किसी जानवर के, जैसे गॉडज़िला टाइप फिल्म में जिस तरह के साउंड बजते होंगे, उस तरह का साउंड बजता है जब वो यू बोट आती है, अपीयर होती है। और ये यू बोट जो है कमाल की है, ये पानी के अंदर से भी अटैक कर सकती है और सरफेस में आने के बाद भी अटैक कर सकती है। खतरनाक चीज़ थी वो यू बोट। तो सस्पेंस यही है कि वो सेफली ले जा पाएंगे या नहीं।
सीजीआई इफेक्ट्स कमाल के हैं। टॉम हैंक्स तो बताने की जरूरत नहीं, उनकी कितनी सारी फिल्में आ चुकी हैं, कास्ट अवे, चार्ली विल्सन वॉर, द टर्मिनल, टर्मिनल, हाँ टर्मिनल नाम की एक फिल्म थी, और अपना फॉरेस्ट गम, इतनी सारी बेहतरीन फिल्में उनकी है। तो ये फिल्म भी बेहतर होगी, टिपिकल हॉलीवुड में जैसे फिल्में होती है। अब हॉलीवुड फिल्में जब वर्ल्ड वॉर पे या किसी भी ऐसी फिल्में वो बनाते हैं तो उसका एंड पॉसिबली पॉजिटिव ही होता है। मतलब ये फिल्म यूएस में बनी हो और किसी वॉर पर हो स्पेशली, तो इनका एंड कभी भी आज तक नेगेटिव नहीं हुआ, तो ये तो हम कह सकते हो। वैसे भी स्टोरी ये फिक्शनल है, वर्ल्ड वॉर टू पे बहुत सारी फिक्शनल फिल्में भी बन चुकी हैं, तो जिस तरह से उसे दिखाया है, थ्रिलिंग होगा देखने में, डरावना भी होगा, थ्रिलिंग भी होगा, रोमांचकारी होगा, एंड पॉजिटिव ही होगा ऐसा लगता तो है। टिपिकल कमर्शियल हॉलीवुड फिल्म है वर्ल्ड वॉर टू पर, लेकिन इसे रिलीज करने वाले हैं ये एप्पल टीवी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर, क्योंकि ये थिएटर में रिलीज होने वाली थी लेकिन नहीं हो पाएगी लॉकडाउन के चलते, कोविड-19 के चलते। तो इंडिया में भी एप्पल टीवी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म अभी अवेलेबल है, तो इंडिया के लोग भी इसे देख पाएंगे। ट्रेलर तो कमाल का बना है, आप यूट्यूब पे उसे देख सकते हो। फिल्म एक्चुअल में कैसी होगी ये 10 जुलाई को हमें पता चलेगा। चलिए यहीं पे रुकता हूँ मैं। अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो कैसा लगा ये आप कमेंट में बताइए, और पसंद आया हो तो लाइक का बटन दबाइए। नमस्ते।